बिना तिलक बिना बंदूक के इस फिल्म में डाकू बन गए थे प्राण, जानते हैं। हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली विलन में से एक प्राण ने अपने अद्वितीय अभिनय से विलन के किरदार को नई पहचान दी। उनकी आंखों की खौफनाक चमक और अदाओं ने दर्शकों में एक अलग भय का संचार किया। 1960 में आई फिल्म देश में गंगा बहती है में उन्होंने डाकू राका का किरदार निभाया, जो पारंपरिक डाकू के रूप से बिल्कुल भिन्न था। प्राण ने इस किरदार के लिए जोधपुरी पैंट, प्लेन जैकेट और बिना पॉलिश वाले बूट्स पहने। उनके किरदार में कारतूस की बेल्ट नहीं थी और वह बेहद धीमे आवाज में संवाद बोलते थे। गुस्सा केवल एक बार आया, जिससे उनका किरदार और भी रहस्यमय बना। इस अनूठे गेटअप का आइडिया एक अखबार की कटिंग से लिया गया था, जिसे राज कपूर ने देखा था। प्राण का यह अभिनय दृष्टिकोण न केवल फिल्म को खास बनाता है, बल्कि दर्शकों के दिलों में उनकी छवि को अमर बना देता है। इस फिल्म में बिना तिलक बिना बंदूक के डाकू बन गए थे प्राण।